Hey guys, welcome back to the new video guys। तो दोबारा से हम लोग खेलने जा रहे हैं GTA 5 guys। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा नहीं तो मैं आपको बता दूं guys, पिछले एपिसोड में माइकल द प्रेसिडेंट को ना guys डगन बॉस ने किडनैप कर दिया था एंड खतरनाक वाला बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था एंड ना guys पूरा ही जितने भी प्रोटेक्शन थी ना सबको मार दिया था एंड खतरनाक वाला सीन था, मतलब बचना पॉसिबल ही नहीं था माइकल का। बट लेस्टर ने एक प्लान बनाया guys एंड लेस्टर ने एंड यहाँ पर ना guys जो भी है फ्रैंकलिन और ट्रेवर और जो भी फ्रैंकलिन के हुड्स थे उसने सबने मिलके ना गाइस प्रेसिडेंट माइकल की जान बचा ली एंड वहां पर जितने भी सारे बंदे थे ना डगर बॉस के वहां पर सारे ना उसमें हमला कर दिया। बट हमको वहां से निकलना पड़ा क्योंकि ना उसके बहुत ज्यादा आर्मी थी एंड फटाफट से हमने गाइस माइकल को रेस्क्यू किया फ्रैंकलिन और लेस्टर ने उसकी हेल्प से एंड यहाँ पर खतरनाक वाला सीन हो गया। हम लोग वहां से निकल गए थे एंड उसके आगे हम लोग देखते हैं अभी ना गाइस हमारा जो प्रेसिडेंट माइकल है उसका जो मैनेजर है तो उसने मुझे बोला है कि अभी ना यार पूरे लॉस ऑन तो उसमें बहुत ज्यादा ही गाइस प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब प्रेसिडेंट के मतलब जब से प्रेसिडेंट बना है ना माइकल तो यार गाइस बहुत ज्यादा ही मतलब शहर में ना ज्यादा ही क्राइम्स बढ़ गए एंड ज्यादा ही कुछ खतरनाक वाला सीन हो रहा है। तो अभी वो हमको बता रहा है कि आपको हम दिखाते हैं बहुत ज्यादा ही प्रोटेस्ट हो रहा है तो मुझे अभी वो लेके जा रहा है एंड देखते ना भाई क्या सीन है लॉस सैंटोस भाई सब कुछ सही है या नहीं है। एंड भाई पता नहीं ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, बोल रहे कि यार हमको ना गाइस प्रधानमंत्री जो भी है मतलब प्रेसिडेंट है भाई लॉस सैंटोस का वो चेंज करना है क्योंकि आपको पता है हम लोग जो प्रेसिडेंट बने थे ना वो हैकिंग के वजह से बने थे, मतलब हमने सारे वोट्स ना हैक कर लिए थे। बट अभी हम लोग फिर से वहाँ पे जा रहे हैं एंड देखते हैं भाई क्या सीन है और क्या नहीं है भाई एंड किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब कुछ उनको एक बार पूछ के हम लोग देख लेंगे। मतलब इतनी ज़्यादा जनता है मुझे पता नहीं, हर जगह बोल रहे कि प्रोटेस्ट चल रहा है भाई। तो देखते हैं अभी कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट में कितने लोग हैं यानी भाई कौन है भाई पता नहीं, लॉस सैंटोस के या भाई डगन बॉस के यार या चाल भी हो सकती है। तो फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं लोकेशन पर। तो यार यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं एंड भाई यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है भाई, इधर भी हम देख लेते हैं भाई खतरनाक वाला मतलब पुराना रास्ता ही जाम कर दिया, मतलब यहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता है भाई। तो इधर देख रहे हो भाई खतरनाक वाला सीन है, मतलब पुलिस वाले ऑफिसर ने इनको कंट्रोल कर रखा है भाई, भाई सब एक जगह खड़े भाई देख रहे हो, मतलब भाई खतरनाक वाला सीन है भाई। भाई पता नहीं क्यों रास्ता पूरा जाम कर दिया, प्रोटेस्ट पे खड़े भाई किसी को जाने ही नहीं दे रहे भाई। तो यार इनको ये बोल रहे कि यार लॉस सैंटोस में जो भी प्रेसिडेंट है ना भाई उसको चेंज करो भाई क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही क्राइम्स बढ़ रहे हैं एंड भाई ज़्यादा ही मतलब शहर में हमला हो रहा है एंड गाइस कुछ भी हो रहा है भाई और ज़्यादा ही गैंग्स बढ़ते जा रहे हैं मतलब जो भी है ना। एंड फटाफट से भी चलो दूसरे लोकेशन पर आ जाते हैं एंड एक मैनेजर ने हमें बोला है कि यार एक तीसरी लोकेशन है वहाँ पे ना गाइस पूरे गवर्नर हाउस को जला दिया, मतलब भाई पूरा ही आग लगा दी, मतलब गवर्नर हाउस पर ना अटैक ही कर दिया कुछ लोग ने। तो अभी हमको वहाँ पर जाना है, अभी दूसरे लोकेशन हम जल जाते हैं एंड देखते भाई क्या सीन है एंड क्या नहीं है भाई क्योंकि ना यार गाइस सब कुछ हमको देखना पड़ेगा क्योंकि अपन प्रेसिडेंट है। तो अभी तक मैंने गाइस जो भी जब से प्रेसिडेंट बनाए ना माइकल अभी तक उसने कुछ पब्लिक के लिए कुछ किया नहीं है तो इसलिए हो सकता है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम जब से ये माइकल दी प्रेसिडेंट बनाए तो जब से हम लोग गैंग का ही वो कर रहे थे समझ रहे, तो इसलिए हम लोग गाइस फटाफट से अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी बहुत सारे यहाँ पर गाइस अपने अपने ये लोग मांग लेके आए तो अभी जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग को कम्प्लीट करना पड़ेगा फटाफट से ना सब कुछ। पहले हम लोग देख लेते कितने लोग हैं भाई यहाँ पर देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा स्वैट प्रोटेक्शन आई है भाई, मतलब भाई सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं भाई समझ रहे हो भाई, मतलब भाई ज़्यादा ही मतलब पब्लिक की ना डिमांड ज़्यादा ही बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा ही बढ़ गई तो उनको फटाफट से ना कंट्रोल में लाना पड़ेगा भाई। ये देख रहे हो उसको एक इसको ना अरेस्ट कर लिया गया, ज़्यादा ही कुछ कर रहा था भाई ये पुलिस वाला, आई थिंक पुलिस वाला ने उसको अरेस्ट कर लिया, चलो अच्छा है भाई जो ज़्यादा कर रहा है ना उसको भाई जेल में डाल देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड यहाँ पे देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा ही प्रोटेस्ट है भाई, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब भाई पूरे लॉस सैंटोस के आधे लोग आ गए क्या इधर भाई देख रहे हो, मतलब इतनी ज़्यादा ये लोग ना भाई नाराज़ है भाई प्रेसिडेंट से। तो भाई अभी ना गाइस कैसे भी करके ना गाइस अभी पब्लिक के लिए कुछ करना पड़ेगा एंड इनके सारे गाइस जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड फटाफट से भाई यहाँ पर ना कोई फायर कर रहा है भाई प्रेसिडेंट पे, भाई यहाँ पर ना कोई प्रेसिडेंट पे फायर कर रहा था भाई देखो भाई लोल गाइस भाई चलो उसको मार दिया भाई, पता नहीं भाई यहाँ पर हमले भी हो रहे हैं भाई प्रेसिडेंट पे, भाई माइकल दी प्रेसिडेंट पे हमला भी हो रहा है, देखो ऊपर से भी कोई फायर कर रहा है भाई साहब, मतलब भाई पता नहीं ये लोग भाई इनकी इन लोग के पास गन भी है भाई देख रहे हो, मतलब गाइस कितना भाई वो हो गया भाई यहाँ पर वो चला गया, अभी पुलिस वाला उसको पकड़ने के लिए गया है। अभी ना देखते हैं अभी क्या सीन है भाई, देख रहे हो मतलब फायरिंग कर रहे हैं भाई प्रेसिडेंट पे, उनको पता ही नहीं यार ये प्रेसिडेंट भाई ऐसा वैसा प्रेसिडेंट नहीं है भाई, माइकल दी प्रेसिडेंट है, मतलब माइकल मतलब इनको पता नहीं कौन है भाई। तो चलो उसने उसको मार दिया है बहुत सही, अभी उसको अरेस्ट कर लेंगे वो लोग एंड ना भाई उसको भी जल्दी बेहोश कर दिया हमने उसको। तो चलो अभी लगता है वो कभी ना फायर नहीं करेगा, मतलब भाई उसके पास गन कहाँ से, इसको तो भाई जेल में डाल देंगे भाई, इसको मैं और मार देता हूँ भाई और बेहोश करके ना भाई इसको जेल में डाल देंगे भाई। चलो फटाफट से अभी यहाँ से भाई निकलना हमको लगता है भाई निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, फटाफट से इधर से निकल जाते हैं एंड देखते हैं क्या सीन भाई ये कुछ मुझसे कह रहा है।
तो ऑलराइट गाइस ये मुझसे बोल रहे हैं कि आप यहाँ से ना फटाफट से निकल जाओ अभी ना गाइस, पूरा ना गाइस सब कुछ ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है भाई, आपको ना कैसे भी करके गाइस निकलना, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो, अगर प्रेसिडेंट ने कुछ कुछ हो गया ना तो प्रॉब्लम हो सकती, तो इसलिए फटाफट से नहीं मेरे प्रोटेक्शन के लिए आ रहा है एंड फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं दूसरी लोकेशन पे। तो अभी हम लोग ना गाइस फाइनली गाइस हम लोग दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं, यहाँ पर ना गाइस जो भी गवर्नमेंट का जो मेन हाउस होता है ना गवर्नर हाउस, वहाँ पे हम लोग आए हैं। वहाँ पर ना गाइस कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा ही खतरनाक वाला प्रोटेस्ट कर रहे लोग, तो यार यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर ना भाई आग लगी है बिल्डिंग में, मतलब धमाके हो रहे हैं भाई यहाँ पर, तो भाई आर्मी को आना पड़ा, मतलब गाइस देख रहे हो मैं यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया आने में, बट यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल कर दिया आर्मी वालों ने फाइनली यार गाइस, भाई देख रहे हो मतलब बिल्डिंग्स में आग लगा दी भाई यहाँ पर सारे के सारे, मतलब देख रहे हो भाई बिल्डिंग्स में आग लगा दी, मतलब भाई क्या ही बोले, मतलब आर्मी वाली आए यहाँ पर एंड कंट्रोल कर दिया है एंड यहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है भाई, मतलब देख रहे हो भाई हर जगह ना भाई बिल्डिंग में आग लगी भाई, और एक प्लान भी क्रेश हुआ है बोल रहे कुछ लोग। ओ भाई यहाँ पर सब कुछ भाई कंट्रोल में, भाई आर्मी वाले एंड पुलिस वाले एंड स्वाइट्स ऑफिसर भी है भाई, अभी चलो यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल है, मतलब ये गवर्नमेंट पे मतलब गवर्नमेंट हाउस पे उन्होंने अटैक कर दिया भाई, देख रहे हर जगह भाई आग लगी भाई, मतलब लोल गाइस कसम से भाई स्वाइट्स ऑफिसर भी है भाई, बहुत सही मतलब गाइस खतरनाक वाला सीन हो चुका है लॉस सैंटोस में यार, अभी ना गाइस कैसे भी करके सारी ना गाइस प्रोटेस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा एंड पब्लिक को ना यार गाइस जो भी रिक्वायरमेंट है अभी देख रहे हो गाइस, मतलब भाई क्या ही सीन है भाई, मतलब प्लेन तक क्रैश हो गया भाई, वहाँ पर एक प्लेन भी क्रैश पड़ा है भाई, देख रहे हो बिल्डिंग पर भाई पता नहीं कैसे क्रैश हो गया भाई, भाई यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर एक पायलट भी मरा है भाई पता नहीं कैसे भाई, यहाँ पर गाइस बहुत खतरनाक वाला सीन है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, क्राइम बढ़ते जा रहा है भाई, देख रहे हो पूरे बिल्डिंग्स में आग ही लगी भाई खतरनाक वाली यार गाइस, कैसे भी करके ना लग रहा है मुझे डगन बॉस का काम लग रहा है, क्योंकि अचानक से ऐसा कभी होता नहीं है गाइस, मतलब अचानक से तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था अचानक से, बट ये पता नहीं डगन बॉस का ही कुछ काम दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हो न्यूज़ चैनल भी आए भाई खतरनाक वाला सब कुछ कवर कर रहे भाई, तो कोई बात नहीं इनको फटाफट से ना गाइस सब कुछ हल करने दो एंड हम लोग भी यार कुछ ना कुछ करेंगे पब्लिक के लिए एंड यहाँ पर देख रहे हो भाई हर जगह आग ही लाग लगी भाई, बहुत सही यार गाइस खतरनाक वाला, यहाँ पे भी हर एक न्यूज़ चैनल भाई आए हुए भाई, भाई यहाँ पे सारे बंदों का इंटरव्यू लिया जा रहा है एंड भाई सब कुछ उनसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, तो चलो यार कोई बात नहीं गाइस मैं भी यहाँ पे देख लेता हूँ भाई सब कुछ ठीक है ना भाई, क्योंकि गवर्नमेंट के भाई जो भी मेन प्रॉपर्टी भाई सबको डैमेज कर दिया भाई, देख रहे हो भाई यहाँ पे आर्मी वालों का आना पड़ा है, वहाँ पे एक प्लान क्रेश पड़ा है, मतलब भाई क्या हालत हो गई लॉस सैंटोस की भाई, मतलब सब कुछ भाई अभी हमारे हाथ में गाइस एंड सारे इनको ऑर्डर देने पड़ेंगे एंड कैसे भी करेंगे ना भाई पब्लिक को भी कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आउट ऑफ पब्लिक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लग रही है भाई, देख रहे हो मतलब आग लगा दी है गाड़ियों को भाई, सारी बिल्डिंग में आग निकल रहे हैं एंड इससे थोड़ा सा बात कर लेते, पता नहीं कुछ मेरे को बोल रही है। तो ऑल राइट गाइस इससे बात हो चुकी है एंड ये मेरे को बोल रहे हैं कि यार आप लोग ना सब कुछ कंट्रोल कर लो एंड गाइस वगैरह वगैरह सब कुछ ना भाई ठीक कर दो भाई, सारी जनता को जो भी चाहिए तो हम लोग ट्राई करेंगे, हमने बोला है कि हम लोग फुल ट्राई करेंगे जो भी हो सकता है हमसे कर देंगे एंड फटाफट से ना गाइस चलो गाइस यहाँ पर भाई ये क्या यहाँ पर कोई ना कैसे क्या US का मतलब ये लॉस सैंटोस का एक कर्नल है मिलिट्री का, वो बोल रहे हैं कि आप एक इंटरव्यू दे दो TV में एंड बता दो सबको कि यार हम लोग कब तक कर सकते हैं सबकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट, तो ठीक है ना हम लोग यहाँ पर गए सारा एक इंटरव्यू दे देते हैं एंड गए यहाँ पर एक न्यूज़ चैनल है भाई बोल रहे हैं पब्लिक को आप एक प्रॉमिस कर दो आप कब तक कर दोगे एंड क्या नहीं, ठीक है गए या आप रिसाइन कर दो क्योंकि ना गए यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा ही गुस्से, तो फटाफट से ना मैं यहाँ पर गए न्यूज़ चैनल वालों को सारा गए इंटरव्यू दे देता हूँ एंड इनको फटाफट से यहाँ से निकल जाते हैं। तो ऑल राइट गाइस यहाँ पे हमने सारा गाइस कर दिया गाइस यहाँ पर है सारा गाइस इंटरव्यू हमने दे दिया है एंड यहाँ पर उन्होंने हमारी गाइस वो कर दिया एंड गाइस वीडियो बना दिए एंड फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड गाइस ना लोकेशन पे हमको जाना पड़ेगा क्योंकि गाइस यहाँ पर हमारी भाई यही सारा जितना भी हो रहा है ये सब कुछ हमारे वजह से हो रहा है, तो अभी सारी ना गाइस माइकल की अभी गाइस मतलब जान ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा है समझ रहे, तो अभी फटाफट से ना गाइस कैसे भी करके इधर से निकलना है एंड भाई देख रहे हो यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा ही मतलब खतरनाक वाला सीन है एंड प्रोटेस्ट चल रहा है भाई सिटी में भाई, तो अभी कैसे भी करके हमको अभी निकलना है एंड हम लोग कभी कुछ किसी के लेस्टर की भी हेल्प में ले सकता हूँ इधर, क्योंकि लेस्टर के पास ही अभी कुछ उपाय हो सकता है, तो अभी मैं फटाफट से लेस्टर के पास चले जाता हूँ एंड उससे सारी बातचीत कर लेते हैं एंड गाइस देखते हैं भाई क्या करना है भाई लॉस सैंटोस में, मतलब पूरा ही मतलब खतरनाक वाला सीन है, पहले डगन बॉस और रशियन माफिया से हमने छुटकारा पाया था गाइस एंड मैक्सिकन गैंग एंड बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाले गैंग्स थे
इसलिए हमको ना कैसे हम लोग पब्लिक को भी ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है कैसे रशियन माफिया भाई पूरा लॉस संतोस में फिर गया था। वो गैंग का मैंने खात्मा किया है, मतलब इतने बड़ी वाली गैंग का हमने खात्मा किया था, क्योंकि भाई कब से वो रशियन माफिया ना पूरा लॉस संतोस में फिर रही थी, बट उसको अभी तक कोई मिटा नहीं पाया। बट हमने उसको मिटाया, सबसे बड़ा काम किया, बट ये पब्लिक को पता ही नहीं कुछ। तो चलो कोई ना, हमारे फटाफट से यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। एंड गाइस देखते हैं भाई लोग, यहाँ पर हम लोग लेस्टर के पास चले जाते हैं। एंड लेस्टर ही कोई मेरी हेल्प कर सकता है, आई थिंक लेस्टर ही कोई हेल्प करेगा मेरी। एंड भाई ये क्या गाइस, यहाँ पर कोई मेरे का पीछा कर रहा है भाई को। भाई यहाँ पर पता नहीं यार कोई ना भाई आ चुके हैं भाई, देख रहे हो भाई फाइट कर रहे हैं भाई मेरे से, भाई फायरिंग कर रहे हैं भाई ये लोग। भाई प्रेसिडेंट माइकल को मारने के लिए आए क्या भाई? भाई यहाँ पर मुझे निकलना पड़ेगा माइकल, क्योंकि माइकल के पास तो अभी ना गाइस खतरनाक वाले प्रोटेस्ट वेस्ट लगी, तो ये मेरे को मार तो नहीं पाएंगे भाई। देख रहे हो मतलब भाई ये कौन है भाई? ये कोई आर्मी वाले नहीं है, ये जासादी वाली जनता है गाइस, मतलब ये नॉर्मल कॉमन इंसान है भाई, ये सिर्फ फाइट करना है। तो चलो कोई ना यार भाई, फटाफट से ना इनको भाई मेरे को मारना तो पड़ेगा यार गाइस, क्योंकि प्रेसिडेंट पे अटैक कर रहे हैं, तो भाई इनको ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं है। माइकल है भाई, प्रेसिडेंट है भाई, बट उसकी पास लाइफ आपको पता नहीं है माइकल कौन है। चलो इनको लग रहा है कि ऐसे ही कोई बंदा है, फटाफट से इनको माइकल मार देगा। एंड देखते हैं गाइस क्या सीन है। और अभी कैसे इनको भी मेरे पीछे पड़े आए थे यार। चलो भाई अभी छोड़ी पब्लिक एरिया है, तो पब्लिक एरिया में हम लोग ना कैसे इनको नहीं मार पाएंगे, तो अभी आने दो इनको एक हाईवे रोड पे, फिर इनको निपटा देंगे। चलो फटाफट से भाई, अभी लग रहा है कि आ नहीं रहे मेरे पीछे, आ जाए तो ठीक है। तो चलो यार यहाँ पर हम लोग ना आ चुके हैं फाइनली गाइस मेन रोड पे, यहाँ पे ना मैं इनको मार सकता हूँ। चलो यार अभी आ जाओ भाई, अभी फटाफट से ना कैसे इनको निपटा देता हूँ भाई। अभी मेरे पीछे ही आ रहे हैं भाई, इनको इतना मारने की बात भी समझ में नहीं आ रहा भाई। चलो यार फटाफट से इनको भी निपटा लेता हूँ, आ जाओ भाई पीछे पीछे आ जाओ पीछे फटाफट से ना कैसे इनको भी। अभी पीछे ही आ रहे हैं भाई, देख रहे हो मतलब का इस खतरनाक वाला सीन है भाई, मतलब कितना गुस्सा है भाई, देख रहे हो माइक प्रेसिडेंट पे भाई। भाई चला भाई, ये तो भाई टायर के नीचे आ गया भाई। कितने सारे भाई बाइकर्स वाले ग्रुप है भाई, राइडर वाला ग्रुप है भाई, सबको ना भाई भाई सब मरेंगे भाई, सब भाई सब के सब मरेंगे। अब इनको पता ही नहीं माइकल कौन है भाई, इनको लग रहा है सिर्फ प्रेसिडेंट बना है भाई ये फाइटर, इनको पता ही नहीं माइकल कौन है भाई। चलो भाई फटाफट से ना सारा इनको निपटा देते हैं गाइस, खतरनाक यहाँ से निकल जाते हैं हमारी सेफ जगह पे। भाई देख रहे हो आते ही जा रहे हैं भाई, भाई क्या ही सीन है भाई, आते ही जा रहे हैं इनको, मतलब देख रहे हो भाई इतने ज़्यादा मैंने बाइकर्स को मारा है भाई, कहाँ से आ रहे हैं भाई पता नहीं, मतलब भाई मैंने अभी तक कितने लोग को मार दिया है भाई, इनको पता ही नहीं कुछ भाई, मैंने वेस्ट भेजी भाई। चलो यार इनका गाइस इतना निशाना भी नहीं, मेरे को फायर तक नहीं कर पा रहे भाई, सिर्फ गाड़ी पे गोली चला रहे। उनका इंटेंशन आई थी मुझे मारना है कि नहीं, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। चलो फटाफट से ये तो मर ही रहे मेरे हाथ से, देख रहे हो भाई। चलो भाई इनका तो भाई इसका कोई एम ही नहीं लग रहा है गाइस, ये सादे लोग है, कॉमन है, कोई गैंग मेम्बर्स नहीं है ये, जो ना कॉमन लोग है, बट इनको मारना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने अभी गलती की है, तो भाई भुगतना तो पड़ेगा गाइस। चलो अभी फटाफट से मैं देख लेता हूँ कोई गैंग मेंबर्स तो नहीं है ना कोई। तो यार ये मुझे, मैंने सारा चेक कर लिया, कपड़े के उपड़े गए, इनके बाइक से लग नहीं रहा कि ये कोई गैंग मेंबर्स है कोई, ये कॉमन लोग ही लग रहे हैं मेरे को गाइस, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट इनको मारना तो पड़ेगा गाइस, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इनको फटाफट से निपटाना तो पड़ेगा। अभी मैं इनके कपड़े देख रहा था भाई, कोई गैंग भी नहीं है गाइस, सारे नॉर्मल प्लेयर्स हैं सारे ना गाइस, सब कुछ वही वही है। तो चलो फटाफट से ना गाइस इनको निपटा दिए हम लोग ने, एंड आई होप कि अभी कोई आए ना जाए मेरे पीछे। तो भाई देख रहे हो बाइक भी इतने खतरनाक खतरनाक वाले बाइक है भाई, देख रहे हो मतलब इतने महंगे महंगे भाई कार बाइक से क्या कहते हैं भाई कुछ, देख रहे हो मतलब क्या ही सीन है भाई। चलो फटाफट से ना मैं इनके बाइक देखता हूँ एक बार चला के यार क्या सीन है भाई, बाइक भी सही है भाई, देख रहे हो मतलब भाई इतनी बढ़िया वाली बाइक भी मेरे पे अटैक कर रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी ये बाइक पे मेरे को जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ना अभी मेरी जो कार है ना भाई, जो उसको इतना इन्होंने डैमेज दे दिया कि वो अभी गाड़ी मेरे को लगता नहीं चल पाएंगी, तो मेरे को इन्हीं की बाइक में से किसी के एक बाइक के लेने जाने पड़ेगी, क्योंकि ना मेरी बाइक को उन्होंने इतना डैमेज किया है, दो टायर भाई पंक्चर कर दिए लिटरली, एंड ना भाई अभी मेरे को बाइक से ही निकलना है। तो फटाफट से यहाँ से मैं निकल जाता हूँ, एंड देखते हैं गाइस क्या सीन है। ओ भाई यहाँ पर मैं निकल ही रहा था, तो भाई देखो पीछे से और आ गए भाई, मतलब भाई अभी भी बाइक का भी एक टायर भी पंचर है, पीछे वाला टायर ही निकल गया उसका भी भाई। अभी मेरे पास वेस्ट होता ना, अगर नहीं होता मैं मर जाता भाई, अभी मेरे पास वेस्ट है भाई, तो मैं बच रहा हूँ। चलो इनको फटाफट से भाई इनको, और भाई ये आते जा रहे, अभी ये बाइक ले देता हूँ। अभी इनको ना भाई कैसे भी करके मारना है भाई, पता नहीं मेरे को अभी कैसे भी करके ना कैसे भी प्रोटेक्शन मंगानी पड़ेगी, अभी स्वेट प्रोटेक्शन मेरे को मंगाना पड़ेगा कैसे भी करके, वरना ये लोग तो भाई मेरे को यहाँ पे मार देंगे।
चलो ये लोग कॉमन लोग है बट अच्छी बात है, अच्छा वो गैंग मेंबर्स नहीं है वरना ये लोग तो फिर। ओ भाई मेरी बाइक भाई एक्सीडेंट हो गया भाई, एंड यहाँ पर बाइक चलेगी भाई आउट ऑफ ब्रिज। भाई ये ले तू भी ले ले भाई, ये सारे कॉमन लोग है भाई, मतलब पता नहीं भाई कहाँ से भाई क्यों फाइट कर रहे हैं, किसी ने इनको बोला है मारने के लिए पता नहीं। भाई यहाँ पर मेरे को ना कैसे भी करके निकलना है अभी यहाँ से, कैसे भी प्रोटेक्शन मंगानी पड़ेगी, एंड अभी मेरे पास गाड़ी भी नहीं यार यहाँ पर ना गाइस, अभी सारा गाइस शहर में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है तो कोई मेरे को एक भी गाड़ी टैक्सी वाला दिख नहीं रहा है, या मैं किसी गाड़ी की भी ले भी नहीं सकता हूँ एंड किसी से लिव भी नहीं मांग सकता। तो चलो यार कोई बात नहीं, अब इन्हीं की बाइक में से किसी के एक के चुरानी पड़ेगी मेरे को। तो ऑल राइट गाइस, यहाँ थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना सब कुछ क्लियर है, आई थिंक लग रहा है यहाँ पर ना गाइस सब कुछ क्लियर है भाई। चलो बहुत सही, यहाँ पर इसको भी मार देता हूँ, आई थिंक यहाँ पर ना सब कुछ क्लियर लग रहा है मेरे को। चलो बहुत सही, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। चलो भाई ये गाड़ी में फटाफट से ना बाइक में बैठ के चलो जाता हूँ, एंड यहाँ पर मुझे अभी कॉल भी करनी है कोई अभी स्वैट प्रोटेक्शन को, एंड फिर मैं अपन को अभी पहले सेफ जगह पे चले जाता हूँ वरना भी ये लोग फिर से ना आ जाए, एंड भाई स्वैट प्रोटेक्शन मंगाएंगे एंड देखना है कैसे अभी पब्लिक को कंट्रोल कैसे करना है क्या नहीं करना है। ठीक है भाई, अभी लेस्टर के पास तो मेरे को जाना था बट लेस्टर आई थिंक अभी लेस्टर का घर बहुत दूर है यहाँ से, तो अभी ना मुझे गाइस प्रोटेस्ट भी चल रहे गाइस, तो अभी जाएंगे तो प्रोटेस्ट में से कोई अटैक भी कर सकता है। अभी पूरा शहर में लॉकडाउन लगा है गाइस, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही भाई, देख रहे हो भाई एक भी गाड़ी नहीं दिख रही है पूरे शहर में ना भाई, आई थिंक लॉकडाउन लग चुका है एंड सारे प्रोटेस्ट के वजह सब लोग ना घर में बैठे हैं, देख रहे हो। तो अभी मैं यहाँ पे आई थिंक सेफ जगह पे आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे ना गाइस मैं मिलिट्री वालों को कॉल सॉरी स्वैट प्रोटेक्शन जो भी मेरे वो है ना गाइस जो प्रोटेक्शन करते हैं उनको मैं फटाफट से ना कॉल लगा लेता हूँ, एंड फटाफट से उसको बोलता है लोकेशन सेंड कर देते हैं एंड देखते हैं वो कब तक आता है। एंड यहाँ पर हमें नंबर गंबर सब कुछ है हमारे पास, आई थिंक आ जाए तो अच्छी बात है, आएंगे तो सही क्योंकि प्रेसिडेंट हो तो भाई प्रोटेक्शन चाहिए भाई, फटाफट से वो कितनी भी स्पीड से आ जाए। तो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना सारी की सारी बातचीत हो चुकी है एंड वो हेलीकॉप्टर लेके आ ही रहा है, एंड बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर ना गाइस अभी दूसरा वाला है एम्बुलेंस वाला हेलीकॉप्टर लाना पड़ा हमें क्योंकि ना अभी प्रोटेस्ट की वजह से ना सब कुछ क्लोज है तो वो दूर जा नहीं पाया, तो मतलब जो अवेलेबल था उसने वही उठा के ला लिया है। तो चलो यार हेलीकॉप्टर अभी लैंड कर रहा है, देख सकते हो अभी गाइस हेलीकॉप्टर हमारा आ चुका है एंड यहाँ पे स्वैट्स ऑफिसर है हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए आ चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि अभी इतना गाइस वो हो गया ना गाइस, मतलब वो बिल्डिंग में कुछ जाने दे ही नहीं रहे, मतलब जो अवेलेबल था उन्होंने वो ला लिया, मतलब एम्बुलेंस वाला हेलीकॉप्टर इसने लाया है, मतलब क्या ही बोले। चलो कोई ना बट चल जाएगा, ठीक है काम चल जाएगा इसमें, एंड फटाफट से इसमें बैठ जाता हूँ। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना मैं आ चुका हूँ एंड फटाफट से निकलते हैं। एंड गाइस हमारा ना गाइस अभी माइकल के अभी घर पे हमको जाना पड़ेगा, अभी ना गाइस हमको घर पे निकलना है, लेस्टर का घर बहुत दूर है यार, अगर वो घर पे होता है या नहीं पता नहीं यार। तो फटाफट से ना अभी हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट माइकल के घर पे एंड वहाँ पे प्लान करेंगे अभी शहर को कैसे कंट्रोल करना है एंड क्या करना है, जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना सबको शांत करना है, एंड डगन बॉस का भी कुछ करना पड़ेगा भाई, डगन बॉस हाथ में आ ही नहीं रहा है, हर बारी ना गाइस भाग जा रहा है। तो फटाफट से मैं आपको लोकेशन पे ही मिलता हूँ, अभी यार कैसे चला रहे अभी फटाफट से भाई चल जा भाई, अभी आई होप कि कोई अटैक ना करो मेरे भाई, कोई अटैक ना करे मेरे पे। चलो भाई देख रहे हो भाई पूरा शहर सुनसान है भाई, कोई भी एक भाई परिंदा तक नहीं दिख रहा है, मतलब कोई इंसान तक नहीं दिख रहा, देख रहे हो सब कुछ क्लियर है भाई, सब लोग की गाड़ी रुकी हुई है एंड भाई कोई गाड़ी तक नहीं चला रहा है, पूरे हर जगह प्रोटेक्शन चल रहा है, तबाही चल रही है। तो फटाफट से ना आपको हम लोग वहाँ पे मिलते हैं हमारे गाइस माइकल प्रेसिडेंट के हाउस पर। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना मैं आ चुका हूँ गाइस, बहुत अभी यहाँ पर गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे, माइकल दिया उस पर 5 घंटे हो चुके मेरे को आकर,
एंड अभी बहुत बारिश हो रही है एंड यहाँ पर ना मेरे को कोई मिलने के लिए आया गया कोई भी। अभी यहाँ पर लेस्टर आया आई थिंक, चलो गाइस लेस्टर आ चुका है, कोई इंपॉर्टेंट मिशन के लिए आ गया, वो खुद मेरे पास आ रहा था भाई पता नहीं। एंड यहाँ पर ना गाइस वो कुछ मेरे से बातचीत करना चाहता है, मैं फटाफट से बात कर लेता हूँ एंड देखते हैं क्या सीन। तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे सारी बातचीत हो चुकी है, लेस्टर ने मुझे बताया कि ना आपको अभी फटाफट से निकलना है एंड यहाँ पर ना हमको एक कैंप पे जाना है, उसका कैंप आपको पता है डगन कैंप के पास जाना है, उसको हमको अभी यहाँ पर ना गाइस बहुत कम सिक्योरिटी लगी है, मतलब बिल्कुल ही कम सिक्योरिटी लगी है। एंड वहाँ पर ना उसका जो भी कैंप है भाई गोल्डन कार्स है एंड सारे गोल्डन लूट है भाई, गोल्डन ट्रेजर्स है एंड गोल्डन मनी है भाई, सब कुछ ना हर चीज़ गोल्ड का अवेलेबल है। तो लेस्टर ने बोला कि आप हम लोग अभी वहाँ पे जाके ना उसको सारा लूट सकते हैं, तो भाई ये अच्छा वाला प्लान दिया है। बट हम लोग ना गाइस हमको अभी कुछ और करना था, बट चलो अभी डगन को अभी यार गाइस कंगाल करते हैं एंड फटाफट से ना गाइस यहाँ पे हमारे स्वेट प्रोटेक्शन भी मैंने मंगा लिए एंड चलो अभी फ्रैंकलिन भी आ चुका है हमारे साथ एंड हेल्प करने के लिए एंड ट्रेवर भी आ चुका है एंड लेस्टर है, बट वो लेस्टर पीछे बैठा है कार में ठीक है, क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ना उसके बैक पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो फायर तो कर नहीं पाएगा उल्टा मर जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग गाइस हमला कर देंगे क्योंकि बहुत कम प्रोटेक्शन है हमारे पास, सबके पास ना गाइस खतरनाक वाली वेस्ट है, तो हमें कुछ इतना खास डैमेज तो आएंगे नहीं ठीक है। चलो गाइस देख लो बहुत भाई, फिर भी ज़्यादा ही प्रोटेक्शन है भाई 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 भाई, खत्म है भाई, सब कुछ खत्म है भाई, सारे के सारे भाई फाइट कर रहे हैं भाई 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 भाई, बहुत सही गाइस खतरनाक वाले, हम तो बच जा रहे हैं, इनके पास बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है भाई, इनके पास बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है भाई, बिल्कुल भी। बहुत सही बहुत सही, अभी ना गाइस आई थिंक यहाँ पर इसका जो भी जस्ट आया था भाई, इसका जो भी सारा माल है ना वो अभी आया है, इसके गोल्डन स्टार गोल्डन पैसा सब कुछ ना भाई देख रहे हो भाई, सब कुछ सामने रखा है भाई, इसके सारे आई थिंक मर चुके हैं भाई, सारे के सारे ना इसको हमने भाई ख़त्म है। एंड फटाफट से ना इसके कोई और आर्मी आ जाए उससे पहले मैं निकल जाता हूँ भाई सब कुछ लूट के। एंड लेस्टर आई थिंक लेस्टर ने सब कुछ काम कर लिया एंड सारे जो भी माल उठाने वाला काम है भाई सबको वहाँ पर उसने कॉल कर दिया भाई, देख रहे हो भाई तीन तीन कार है भाई गोल्डन, भाई कितना सोना है भाई, भाई इतना ज़्यादा सोना भाई यहाँ पर देख रहे हो भाई डगन बॉस के पास भाई, यहाँ पर गाइस देख रहे हो गाइस बिस्किट्स की भाई सोने के गोल्ड बिस्किट्स भी अवेलेबल है भाई, यहाँ पर देख रहे हो पूरा कैश अवेलेबल है भाई। अब यहाँ पर लेस्टर ने अभी लेस्टर ना सारा मैनेजमेंट कर रहा है एंड फटाफट से ना वो गाइस जितने भी ट्रक से भाई कैरी करेंगे अभी फटाफट से यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर ना भाई देख रहे हो कितना ज्यादा भाई यहाँ पर कैश पड़ा भाई एंड यहाँ पे सारा गाइस डगन बॉस आर्मी से आने से पहले ना सब कुछ हमको खाली करना है एंड देखते हैं फटाफट से गाइस यहाँ पर ना गाइस ट्रक आते होंगे, आई थिंक लेस्टर ने गाइस कॉल कर दिए भाई, देख रहे हो भाई कितनी खतरनाक वाली भाई गोल्डन कार है भाई, देख रहे हो पूरी खतरनाक वाली ना गाइस लेस्टर ने भाई मंगाई है भाई, खतरनाक वाला कैंप क्या कहते हैं इसको, खतरनाक वाला प्लान दिया है हमें, बहुत सही भाई भाई देख रहे हो। अभी तक तो आना चाहिए था यार, अभी तक तो एक भी ट्रक नहीं आया यार, अभी तक ना एक भी ट्रक नहीं आया लेस्टर का भाई पता नहीं यार। चलो गाइस ऑल राइट गाइस यहाँ पे ना गाइस लेस्टर ने कॉल किया मेरे को एंड कॉल बोल रहे कि भाई आई थिंक ट्रक आ ही चुके हैं एंड यहाँ पे ना सब कुछ गाड़ी में रखते ही है एंड फिर देखते गाइस यहाँ पर फटाफट से ना सारा का सारा माल चला जाएगा एक सीक्रेट हाउस में ठीक है, तो वो भी अभी गाइस बस आई थिंक आते ही होंगे एंड देखते गाइस यहाँ पर सारा का सारा जितना भी है, ये तीन कार्स के लिए जगह तो नहीं है बट हमें तीन कार ना हमें कुछ ड्राइव करने पड़ेंगे ठीक है। चलो भाई ओपन है, मुझे लगा लॉक होंगे बट चलो यार ये तो खुल जाए। तो ऑल राइट गाइस यहाँ पर ना गाइस तीन तीन ट्रक आ चुके हैं एंड यहाँ पर लेस्टर ने भेज दिया है, अभी एक ट्रक तो निकल चुका है, सारा ना माल हमने गाइस इसमें फिट कर दिया ठीक है, जितना भी गोल्ड था कैश था वो भी सारा चला गया एक ट्रक में एंड अभी दो ट्रक भी बड़े बड़े गाइस ठीक है, चलो ये भी चला गया है और ये ट्रक भी चला गया, चलो बहुत सही। चलो अभी सारा का सारा जितना भी माल है ना सब कुछ चल गया, बट ये जो कार्स के लिए जगह नहीं है तो इन्हें ना हम लोग का एक ड्राइवर चला लेंगे, एक फ्रैंकलिन और एक मैं चला लूँगा। तो गाइस ये वीडियो ना हम लोग यहाँ पर एक क्लोज करते हैं एंड ना गाइस आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।